जय श्री राधे कृष्ण। एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह इस बार का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। और आज के हमारे किचन टिप्स ऐसे हैं जो आपके मुश्किल कामों को भी चुटकियों में निपटाएंगे। तो देख लेते हैं आज के हमारे यूनिक किचन टिप्स क्या है। तो सबसे पहले हमारा किचन टिप्स है वो है राजमा को लेकर के। राजमा, छोले या दाल, जो भी हो, सबके लिए ये ट्रिक है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमको राजमा या फिर छोले कुछ बनाना रहता है और हम शाम को भिगो देते हैं, और ऐसे में क्या होता है, अचानक से घर वालों का मूड चेंज हो जाता है, उनको राजमा छोले जो भी हमने भिगोया है उनको खाना नहीं है। तो ऐसे में हम भिगे हुए छोले या फिर राजमा का हम क्या करेंगे, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको कि इस भिगे हुए छोले को हम राजमा को कैसे स्टोर करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे छान लेंगे और इनको धो लेंगे। जैसे हमने रात भर भिगो के रखा है तो उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है ना, तो उसको हम अच्छे से धो लेंगे साफ पानी से। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्हें छानने के बाद में इसको पूरी तरह से इसका पानी हम निकाल लेंगे। और उसके बाद में एक पॉलीथीन पर इन्हें हम इस तरह से फैला देंगे। तो आप इन्हें पंखे के नीचे रख सकते हैं या फिर इन्हें धूप में फैला सकते हैं। बस 1 से 2 दिन में ये बहुत ही अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाएंगे। वो ड्राई हो जाने के बाद में दोस्तों आप इन्हें देखिएगा, बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गए हैं। मैंने 2 दिन इन्हें धूप में रखा और ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए, जैसे पहले थे ना ऐसे हो गए हैं। तो अब हम इन्हें फिर से डब्बे में भर करके रख देंगे, और जब नेक्स्ट टाइम आपको यूज़ करना हो तो नेक्स्ट टाइम आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात ये है कि ये जो भिगे हुए छोले हमारे हैं, राजमा है, अगर नेक्स्ट टाइम आप इन्हें भिगोएंगे ना, तो इनमें फूलने में इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब अब जैसे सुबह आप 1-1.5 घंटा पहले भी अगर इन्हें भिगो देंगे ना, बहुत ही आसानी से ये फूल जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से फूला के हमने ड्राई करके इन्हें भरे हैं डब्बे में। तो अगली बार ये ना आप इन्हें ज़रूर से यूज़ करिएगा। तो अगली ट्रिक हमारी है वो है कॉयल को लेकर के। दोस्तों, अभी गर्मियों का बदलता मौसम है, ऐसे में मच्छर मक्खी बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं हमारे घर में, और हमें कॉयल वगैरह तो लगाना ही पड़ती है शाम के समय। तो ऐसे में क्या होता है, कॉयल तो रहती है पर जो स्टैंड वगैरह रहे ना, हमारे पास में स्टैंड नहीं रहता। अगर हम इस तरह से सिर पर जलाते हैं ना कॉयल को, तो वो गिर जाती है, पूरी जलती भी नहीं है कॉयल, वो बीच में ही वो बुझ जाती है। पर जब हम कटर के ऊपर, जब नेल कटर के ऊपर इस तरह से हम टिकाएंगे ना, तो बिल्कुल ये स्टैंड का काम करेगी, बहुत ही ईजी तरीके से ये टिक जाएगी और ये पूरी रात चलेगी, बिल्कुल बुझेगी नहीं है। तो देखिएगा, इस तरह से हम नेल कटर के ऊपर सेट कर सकते हैं हम इस कॉयल को। तो ये ट्रिक कैसी लगी है ज़रूर से बताइएगा। और अगली ट्रिक हमारी है वो है दोस्तों मोबाइल को लेकर। कभी कभी जैसे किसी का फ़ोन वगैरह आ जाता है या फिर हमें कोई रेसिपी देखना रहता है ना किचन में, तो हम मोबाइल को उस तरह से रखने की कोशिश करते हैं पर ये टिकता नहीं है। इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो इस ट्रिक को आप कहीं पे भी रख सक फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप किचन के अलावा और भी कहीं रख सकते हैं इसको। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ यहाँ पर, इस तरह से हम एक रबड़ बैंड को लेकर के रखेंगे और फिर इसके ऊपर अगर मोबाइल को हम टिकाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा। वो बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप मोबाइल को सेट कर सकते हो। आपको कोई रेसिपी देखना हो खाना बनाते बनाते, तो आप देख सकते हो, या फिर ऐसे भी आपको उसे खाना बनाते वक्त तो आपको किसी से बात करना हो कॉल पे, तो आप ऐसे बात भी कर सकते हो इस तरह से। तो ये ट्रिक कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में ना जय श्री राधे ज़रूर से लिखना अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो। तो दोस्तों, अगली ट्रिक है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ज़रूर से देखिएगा। ये समस्याएँ बहुत से लोगों के साथ में होती है। तो ये ट्रिक हमारी है गुलाब जामुन को लेकर के। बहुत से लोगों के गुलाब जामुन जो है ना दोस्तों, वो हार्ड हो जाते हैं,
जैसे दिखने में तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं ये गुलाब जामुन, एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं। कलर वगैरह मतलब एकदम चाशनी वगैरह भी एकदम सही है, पर ये जब खाते हैं ना तो एकदम सूखे सूखे से लगते हैं ये, मतलब चाशनी इसके अंदर तक नहीं जाती है। जैसे अभी मैं आपको कट करके बताऊंगी यहाँ पर, जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये ट्रिक शेयर की जाए, आपके भी कुछ काम आ सके। तो देखिएगा अंदर से जब मैंने काट रहे ना चाकू से चम्मच से, तो एक गोली सी निकल रही है इसके अंदर। ये देखिएगा चाशनी अंदर तक इसके नहीं गई है और एक गोली सी बन रही है, मतलब बाहर की स्किन तो इसकी मीठी हो गई है पर अंदर से है ना बिल्कुल ड्राई है ये। तो इसको हम बहुत ही आसानी से सिर्फ 10 मिनट में आप इसको सही कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे, जैसे पतीली या फिर कोई आपके पास में डिब्बा वगैरह हो स्टील का ले लीजिएगा, मतलब अपने को प्लास्टिक का नहीं लेना है। और ये गुलाब जामुन है चाशनी से अलग करके इस बर्तन में हम रख लेंगे। तो कई बार ऐसे हमारे साथ में ऐसी समस्या हो जाती है ना, उस समय हमें नहीं समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गए गुलाब जामुन, अब इनका क्या करें, क्या फेंक नहीं सकते ना, भी खाने में अच्छे नहीं लगते, फेंक भी नहीं सकते, तो फिर क्या करें इसका, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता। तो ये देखिएगा हमने चाशनी से गुलाब जामुन अलग कर लिए हैं, अब इनको हम ढक देंगे प्लेट से। आपके पास कोई एयर टाइट डब्बा हो तो वो भी ले सकते हो आप स्टील का। उसके बाद में हम यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें एक लोटा पानी डाल देंगे, मतलब आधा लीटर के करीब आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में हम एक रिंग रख देंगे, अगर रिंग नहीं है तो आप कटोरी या प्लेट भी सेट कर सकते हो। और उसके बाद में ये बर्तन को हम उतार देंगे इसके अंदर। ये देखिएगा हमें ऐसा रखना है कि इसके अंदर पानी ना घुसे, ये देखिएगा इस तरह से हम उसको कवर कर देंगे ऊपर से। और कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे। कुकर का ढक्कन अच्छे से बंद करके इसके ऊपर हम सीटी भी लगा देंगे और अभी हम इसको धीमी फ्लेम पर रख देंगे गैस पर, और सीटी आने जैसे मतलब स्टीम बन जाए बस इतना रखेंगे। उसके बाद में हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब कुकर हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम उसको चेक करेंगे। तो इस तरह से ना हमारे जो हार्ड हो जाते हैं गुलाब जामुन उनको हम बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा अभी हम चेक करते हैं कि हमारे गुलाब जामुन सही हुए हैं या इनका हलवा बन गया है, देखते हैं चलिएगा। तो गुलाब जामुन तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं, देखिएगा अभी हम इन्हें कट करके भी देखेंगे कि इनके अंदर चाशनी गई है कि नहीं, है ना। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इन्हें अभी हम थोड़ी देर चाशनी में डालेंगे। जैसे हमारे पास चाशनी थी ना पहले की बची हुई, उसमें हम इन्हें डाल देंगे और एक आध घंटे के लिए हम इन्हें चाशनी में डाल करके छोड़ देंगे। गुलाब जामुन गर्म है ना हमारे, ये बहुत ही जल्दी ये चाशनी को सोख लेंगे। तो इन्हें बस चाशनी में अच्छी तरह से डीप करके एक घंटे के लिए हम इन्हें ढक करके रख देंगे। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। जैसे कि बेसन बर्फी सही करने का तरीका, मूँगफली दाने की चिक्की सही करने का तरीका, बहुत सारे हैं, मतलब वीडियो पे लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा उन्हें भी। तो देखिएगा करीबन एक घंटा हो गया है और ये गुलाब जामुन जो हमारे बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे उनको हम चेक कर लेते हैं। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि हमारे गुलाब जामुन कितने ज़्यादा एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, जो कि हार्ड थे पहले और वो बहुत ही अच्छी तरह से ये उनके अंदर पूरी तरह से रस चला गया है। अभी हम काट के आपको दिखाएंगे, देखिएगा अंदर तक इनकी जूस चला गया है, एकदम चाशनी अंदर तक चली गई है। तो आज की ट्रिक्स कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर से लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।